सो गाइस, सबसे ऊपर जो पहला वर्ड है वो है आप लोग का डक। डक का मतलब होता है फ्रेंड्स बत्तख। ये तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही है, DUCK, डक का मतलब बत्तख। और फ्रेंड्स जो बत्तख पालने वाला होता है उसको डकर बोलते हैं, ठीक है, DUCKER। तो डकर का मतलब होगा बत्तख पालने वाला मनुष्य। ओके, यहाँ पर देखिए तीसरा वर्ड फ्रेंड डकलिंग। डकलिंग का मतलब होता है छोटा बत्तख या बत्तख का बच्चा आप लोग कह सकते हैं, या छोटा बत्तख, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला बताया आप लोग को जो कि डक, डक का मतलब बत्तख, और डकर उसको कहेंगे जो बत्तख पालने वाला मनुष्य है उसको डकर, और डकलिंग का मतलब होगा छोटा बत्तख या बत्तख का बच्चा। ओके, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड डक्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग के को हटा करके टी कर लीजिएगा। यहाँ पर डक्ट का मतलब होता है शरीर की नली। ओके, DUCT, डक्ट का मतलब शरीर की नली। और डक्टिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब भी होता है फ्रेंड्स लचीलापन। आप लोगों को लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए FLEXIBILITY, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब भी होता है फ्रेंड्स लचीलापन, और डक्टिलिटी का मतलब भी होता है लचीलापन, जिसका अर्थ हम अलग अलग यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड आप लोग बताए हैं डड। डड का मतलब होता है फटे वस्त्र। ओके, DUD, और इसी वर्ड में फ्रेंड्स हम लोग DERY जोड़ देंगे तो डडरी हो जाएगा। डडरी का मतलब होता है पुराने वस्त्र की दुकान, ठीक है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा याद हो जाए। सबसे ऊपर जो पहला वर्ड है वो है आप लोग का डक। डक का मतलब होता है बत्तख, और डकर का मतलब होगा बत्तख पालने वाला मनुष्य, और डकलिंग उसको कहेंगे छोटा बत्तख को या बत्तख का बच्चा। डक्ट का मतलब बताएं आप लोग को, यहाँ पर टी आप लोग बताए हैं। डक्ट का मतलब शरीर शरीर की नली, और डक्टिलिटी का मतलब होगा लचीलापन, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब भी बताएं आप लोग को लचीलापन, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। डड का मतलब होता है फटे वस्त्र, और डडरी का मतलब होगा पुराने वस्त्र की दुकान। चलिए फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आप लोगों से 7 नए वर्ड लेकर के डी सीरीज का 218 में। नमस्कार।